नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों अब सातवें चरण का मतदान होना है, 13 लोकसभा सीटें हैं और इन 13 सीटों पर क्या कुछ सूरत हाल है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हॉट सीटें हैं, इन 13 सीटों में से जो हॉट सीटें जिनकी चर्चाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है उन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, राहुल लाल जी। राहुल जी बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। राहुल जी, 4 सीटें हैं जिनकी चर्चाएं बहुत हो रही है। मिर्जापुर की चर्चा बहुत हो रही है, घोसी की चर्चा बहुत हो रही है, गाजीपुर की चर्चा बहुत हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बलिया की, तो बलिया में भी कांटे की टक्कर लोग बता रहे हैं। और बलिया में देखिए, नारद राय जिनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता रहे, पुराने नेता रहे हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो इन 4 सीटों का समीकरण क्या बन रहा है वो जानने और समझने की एक एक करके हम कोशिश करेंगे। राहुल जी, सबसे पहले हम मिर्जापुर से अगर शुरुआत करें, मिर्जापुर की बात करें तो अनुप्रिया पटेल यहां से चुनाव लड़ रही हैं, रमेश चंद बिन समाजवादी पार्टी से हैं, मनीष त्रिपाठी बीएसपी से हैं। मिर्जापुर का समीकरण आज की डेट में मौजूदा स्थिति में क्या कह रहा है आपकी नजरों में? अनु जी देखिये, मिर्जापुर का समीकरण बड़ा तेजी से कभी तो जो है कि वो अनुप्रिया पटेल के पक्ष में आ रहा है, कभी वो बिंद जी के पक्ष में आ रहा है। क्योंकि देखिए क्या हुआ कि राजा भैया के प्रकरण के बाद मिर्जापुर सीट को लेके स्थितियां थोड़ी बदलती बदलती हुई सी दिखी। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि अचानक से कौशाम्बी के प्रकरण में राजा भैया जो है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का मामला करते हैं, प्रतापगढ़ के मामले में उनके समर्थक तमाम लोग खुलकर जो है राजा भैया एक तरह से पर्दे के सामने आ जाते हैं। वो घटनाएं जो है देखिए वो कहीं ना कहीं मिर्जापुर को प्रभावित करे, क्योंकि मिर्जापुर में जो अनुप्रिया पटेल है उन्होंने बयान दे दिया राजा भैया को लेकर। जो उनका बयान था अनुज जी, अपने वो दर्शकों को ध्यान में होगा कि वो अब जो है कि राजा महाराजा वाला जमाना नहीं है, ईवीएम से पैदा नहीं होते, ये तमाम इस तरह के बयान उनके रहे, जिसको लेके कि राजा भैया और उनके खेमे की जो बड़ी तल्ख टिप्पणी रही। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग समीकरण देखें, ठीक है, अपना दल एक तरह से 2014-2019 अनुप्रिया पटेल यहाँ पे इस सीट पे जीती हुई रही, कुर्मी बहुल कुर्मियों का अच्छा खासा संख्या, और भारतीय जनता पार्टी ने इसी कारण से इनके साथ गठबंधन भी किया है कि इस क्षेत्र में और प्लस आसपास के क्षेत्रों में उन वोटों को अपने साथ जोड़ सके। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत अच्छा मूव चला वहां पे। भदोही के सांसद जो बिंद जी को यहाँ पे जब उन्होंने रमेश बिंद को टिकट दिया, तो एक तरह से देखिए सीधे सीधे प्रयास ये था कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग की भी राजनीति कर रहे हैं। तो एक तरफ से वो खड़ी है और दूसरे तरफ से बिंद जी खड़ा है। बिंद जी का जो है उनकी जो छवि है वो एक तरह से अच्छी है यहाँ पे। लेकिन जब वहां से एक तरह से चिट्ठी आ गई राजा भैया के तरफ से यहाँ पे कि हम लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे, उस समय तक भी स्थितियां ज्यादा गड़बड़ नहीं थी अनुज जी। लेकिन जब राजा भैया के समर्थक ज्यादा एग्रेसिव होने शुरू हुए, तो फिर यहाँ पर रिवर्स पोलराइजेशन की स्थितियां भी शुरू हो गई थी। यानी अगड़ा बनाम पिछड़ा, जिस विवाद से समाजवादी पार्टी बचना चाह रही थी कि कहीं इस पूरे सीट पर अगड़ा और पिछड़ा का विवाद ना हो जाए, तो राजा भैया और उनके समर्थकों के आक्रामक होने से यहाँ पे रिवर्स पोलराइजेशन की स्थिति भी बनी थी। लेकिन हमें ये स्थितियां बन रही थी, लेकिन इसी बीच में, चूंकि देखिए हम लोग जान रहे हैं कि छठे चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस काफी खुश है, हम लोगों का भी अनुमान है कि उसमें अधिकांश सीटों पर इन लोगों ने लड़ाई काफी तगड़ी लड़ी है अनुज जी। तो उसके बाद इस सीट को लेकर समाजवादी पार्टी गंभीर हो गई और जो रिवर्स पोलराइजेशन की एक स्थिति बन रही थी, जिन जाति समीकरणों के आधार पर अनुप्रिया पटेल को घेरने की तैयारी की गई थी, वो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के हाथ से निकलते हुए दिख रही थी। इसलिए फिर समाजवादी पार्टी और उनके समर्थकों ने अपने स्ट्रेटजी को अचानक से बदला। अगर परसों तक हम लोग कहें तो परसों तक वो रिवर्स पोलराइजेशन जो बन रहा था उसके 2-3 दिनों में कल परसों आज तक में काफी उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। अगर इसे न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता अनुज जी, तो ये सीट पे कांटे की टक्कर नहीं होती और राजा भैया के प्रकरण से भले ही बहुत सीटों पे यहाँ पे लाभ की स्थिति होती, लेकिन यहाँ पे यह सीट समाजवादी पार्टी को एक तरह से इस जगह पे नुकसान में आना पड़ता है। लेकिन समाजवादी पार्टी उस रिवर्स पोलराइजेशन को रोकने की काफी कोशिश कर रही है, और जैसे ही वो रिवर्स पोलराइजेशन रुकता हुआ दिख रहा है, फिर मामला कांटे के टक्कर में कन्वर्ट हो रहा है अनुज जी यहाँ पे। हाँ राहुल जी, लेकिन देखिए यहाँ पर कोई भी 3 बार लगातार सांसद नहीं रह पाया है मिर्जापुर की सीट पे। जो आंकड़े जो इतिहास बताते हैं वो यही बताते हैं। और देखिए मिर्जापुर में बीजेपी के ही 2 सांसद, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, आमने सामने है। तो ये क्या ये समाजवादी पार्टी का ये अच्छा मूव माना जाए, रणनीति का हिस्सा
जो रहा है बिंद साहब को यहां से उतारना, भदोही के सांसद 2019 में चुने गए, तो उस स्ट्रेटजी के बारे में आप क्या कहेंगे, सोच कैसी ठीक है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी सोच है। इसका लाभ जो है समाजवादी पार्टी को भदोही में भी मिलता दिखा, क्योंकि वहां पे देखिए अगर आप उस कैंडिडेट को वहां पे काट के वहीं पे लगाते तो उस सीट के आंतरिक स्तर पर हलचल मच जाती। क्योंकि बिंद जी को हम लोगों ने भदोही में चुनाव प्रचार करता हुआ भी देखे हम लोगों ने, तो वहां पर भी उनको यूज किया। और यहाँ पे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही है वो, और वो चुनाव को शुरुआत से वो काफी मंझे हुए खिलाड़ी है, इस पूरे क्षेत्र को काफी अच्छे से वो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, यहाँ के तमाम समीकरणों से परिचित हैं। तो हमें लग रहा है कि मैं इसे समाजवादी पार्टी का एक अच्छा सोच कहूंगा। एक उन्होंने लास्ट देखिए वो टिकट वितरण में हम लोगों को मानना पड़ेगा अनुज जी कि इस बार समाजवादी पार्टी टिकट वितरण में कहीं कहीं उनका टिकट वितरण भारतीय जनता पार्टी के तुलना में तो बहुत शानदार रहा, भारतीय जनता पार्टी से बहुत बेहतर रहा। और ये टिकट वितरण और दूसरी चीज देखिए, मैं प्रथम चरण से चुनाव सातवें चरण में चलते चला आ रहा, स्नोबॉल इफेक्ट एक चीज होता है अनुजी राजनीति में कि प्रथम चरण में थोड़ा उसका धीमा प्रभाव था, जब स्नोबॉल जो है कि पहाड़ से आता है तो नीचे तरफ उसकी गोलाई और बढ़ती चली जाती है। जी, तो ये छठे और सातवें चरण में आप देखिए कि छठे और सातवें चरण के बाद से समाजवादी पार्टी की स्थिति और कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत हुई है। आज देखिए 27 सीटें हैं, 14 प्लस 13 14 सीटें पिछले चरण में, 13 सीटें इसमें। बीजेपी के लोगों से खुद अगर हम लोग पूछ रहे हैं टीवी डिबेट के बाद ऑफ द रिपोर्ट, तो वो लोग खुद ही कहते हैं कि एक ही सीट है गारंटी वाला सीट राहुल जी, बाकी सीटों पर गारंटी हम ही लोग नहीं ले रहे, तो आप लोग को गारंटी कहां से देंगे? तो वो लोग खुद मान रहे। और हम लोगों के आकलन के अनुसार मैं खुद ही मानता हूं कि दोनों चरणों के सीटों को मिला के कम से कम 20 सीटों के आसपास अगर सब कुछ स्वतंत्र और निष्पक्ष तौर पर रहा तो 20 प्लस सीटें जो है कि वो इंडिया गठबंधन को आते हुए इसी दो चरण में दिखाई दे रही है अनुज जी। बड़ी बात आप कह रहे हैं 20 प्लस अगर आप कह रहे हैं केवल दो चरणों में, छठे और सातवें चरण की, बिल्कुल ये बड़ी बात होगी, ये बड़ा चेंज जो देखने को मिलेगा राहुल जी। मैं आपको आपके कार्यक्रम में मैंने पहले भी कहा था कि अगर प्रधानमंत्री प्रथम तीन चरण में ही चुनाव संपन्न करा देते उनकी स्थिति अच्छी होती, लेकिन प्रधानमंत्री ने चुनाव को देखिए ये 1951-52 के बाद से सबसे लंबा चुनाव है अनुज जी। अगर प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार करने का मौका मिला तो विपक्ष को भी चुनाव प्रचार करने का मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल, और वो बातें अब यहाँ पे डीपली पहुंच चुकी हैं इस पूरे सेक्शन में। बिल्कुल ठीक बात है। और जो बात आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे चरण बीते हैं वैसे वैसे विपक्षी दल के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके अंदर एक मंच पर भी एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ज्यादा देखने को मिला है, ये बात भी देखने को मिली। अगली सीट की बात करते हैं राहुल जी, घोसी की बड़ी चर्चा हो रही है भाई, अरविंद राजभर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो ओपी राजभर के लिए ये नाक का सवाल है, ये सीट निकालना नाक का सवाल है भाई, इतनी इज्जत दे दी भारतीय जनता पार्टी ने, मंत्री बना दिया है आपके, आपको एक सीट भी दे दी है कि बेटे को आप लड़ाइए और जिता के ले जाइए। राजीव राय यहाँ पर कैसा चुनाव लड़ रहे हैं, और बालकृष्ण चौहान की बड़ी चर्चाएं हो रही है, बहुत चर्चाएं हो रही है बालकृष्ण चौहान की, क्योंकि हो सकता है उनका उनका वो चौहान वोटर वहां पर ज्यादा है इस वजह से हो रही हो, या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है, क्या आकलन है सर आपका? देखिए घोसी सीट को लेके मेरा आकलन है कि ये सीट शुरुआत से ही इस समय की अरविंद राजभर का नाम की यहाँ से घोषणा हुई और उनके घोषणा के बाद राजीव राय के नाम की घोषणा हो गई जी, उसी समय से अरविंद राजभर खेमे में कहीं कहीं एक तरह से एक हड़कंप की स्थिति है और ये सीट अभी से नहीं फंसी है अनुज जी। देखिए ये सीट एकदम उसी समय से फंसी हुई सीट हम लोग इसे मान रहे, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी पहले किसे टिकट देने वाली थी, पहले चर्चा हो रही थी कि बहुजन समाज पार्टी अरशद जमाल को टिकट देने वाली, अरशद जमाल को टिकट देती तो फिर इस सीट की स्थिति अलग होती। ये देखिए घोसी उन सीटों में है जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला के कारण ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो है वो फंसे हुए हैं। देखिए क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कुछ वैसे ही दिख रही है जैसे कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की तैयारी दिखी थी कि आपने पहले जो है कि कई लोगों को एडजस्ट करने का पूरा प्रयास किया, गुड्डू जमाली वगैरह पे उनका एनएलसी बना दिया गया। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले तो ओम प्रकाश राजभर को लाने का प्रयास, फिर दारा सिंह चौहान को लाया गया, तो एक तरह से पूरा प्रयास बीजेपी का यही था कि राजभर और चौहान वोटर्स दोनों को मिला के हम घोसी में एक मजबूत स्थिति बना ले, क्योंकि घोसी भारतीय जनता पार्टी के कमजोर कड़ी हमेशा से रही है अनुज जी। घोसी में उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड एक ही बार वो जीते हैं, कभी जीते ज्यादा जीतने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब जो सवाल आपने पूछा
भाई बालकृष्ण चौहान को लेके इस प्रकार उनको गंभीर कैंडिडेट क्यों माना जा रहा है, तो देखिए उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखना पड़ेगा। बालकृष्ण चौहान जो है वो 1999 में बीएसपी के टिकट से वो जो है कि घोसी के सांसद बनते हैं जी। 2004 का चुनाव भी वो जीतते हैं लेकिन हार जाते हैं जी। 2012 में उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में बीएसपी से बाहर कर दिया जाता है, वो समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं जी। 2018 में वो एसपी छोड़ता है, फिर जो वो बीएसपी चले जाते हैं हाँ, और फिर 2019 में बीएसपी छोड़ के वो कांग्रेस चले जाते हैं हाँ, और अभी कुछ दिन पहले ही उनको कांग्रेस से बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया जाता है, उन्हें टिकट दे दिया जाता है। दो दिन के अंदर राहुल जी टिकट दिया गया, आते ही 2 दिन के अंदर, सोचे कि 2 दिन के भीतर उन्हें टिकट दिया गया है हाँ। तो जो उनकी स्थितियां हैं तो वो एक चौहान वोटर्स पे प्रभाव रखते हैं। देखिए राजनीति में अनुज जी ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने बार जीतते हैं, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है कि आप अपने फील्ड में किस तरह से एक्टिव रहते हैं। मैंने 1999 से लेकर जो अब तक की इनकी पूरी बायोडाटा को जो मैं सुनाया दर्शकों को, उसका मतलब ये था कि 1999 से ये इस सीट पर एक्टिव है। अब एक्टिव है तो वैसे स्थिति में इनका प्रभाव पड़ेगा, चौहान वोटर्स पे प्रभाव पड़ना है। चौहान वोटर्स से जितना अपने में ले लेंगे उतना ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करेंगे। तो ये एक तो ये चीज है, क्योंकि देखिए यहाँ पे चौहान वोटर्स की संख्या जो है वो 2.25 लाख है अनुज जी, और ये वोटर पहले के चुनाव में कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा था। लेकिन हम लोग देखिए दारा सिंह चौहान को लेकर भारतीय जनता पार्टी जितने उत्साहित थी उतनी उत्साहित होने वाली स्थितियां भी नहीं थी अनुज जी। खुद वो जो अपना चुनाव भी हार गए थे, हम लोगों ने देखा है वो चुनाव की स्थितियां, तो वो पीडीए का जो पूरा मामला है उस कारण से ये वोट जो है कि वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। तो अब आपने एक तो उनके परंपरागत समूह के वोटर को ले लिया, अब हम लोग बातचीत करें कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की क्या स्थिति है। देखिए मुझे लग रहा है कि ये चुनाव 7वें चरण में इससे थोड़ा सा लाभ अरविंद राजभर को मिला है। अगर अगर ये चुनाव थोड़ा और पहले हो जाता तो मैं कहता कि अरविंद राजभर बिल्कुल लड़ाई में जो है कि वो तीसरे चौथे नंबर पे होते, क्योंकि जिस समय उनके नाम की घोषणा हुई थी अनुज जी वहां पे बहुत ही भयंकर एक भूचाल की स्थिति आ गई थी। क्योंकि देखिए ओम प्रकाश राजभर की टिप्पणियां जो है वो बीजेपी के नेताओं को लेके, स्वर्ण कास्ट जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको लेके जो उनकी टिप्पणियां है वो कैसी टिप्पणियां रही हैं, तो इस कारण से जो बीजेपी के जो कोर समर्थक वर्ग है उसमें काफी ज्यादा नाराजगी थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी की स्थिति थी। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को तब उसमें भेजा गया था वहां पे बिल्कुल उस नाराजगी को खत्म कराने के लिए, और हम लोगों ने तब देखा था कि किस तरह से उन्होंने माफी मांगी, सामान्य माफी से भी काम नहीं चला तो उनको जमीन में जो है कि उनको करा दिया गया। राजभर वोटरों में इस चीज को लेकर नाराजगी काफी ज्यादा थी, लेकिन मैं भी अभी जो है कि निकला हुआ था, आज ही सुबह में पहुंचा हूँ फिर से, वो नाराजगी थोड़ा पहले की तुलना में थोड़ी घटी है राजभर वोटरों में, यहाँ पे कम से कम मैं कह सकता हूँ। तो वो अब तो ये मुकाबला पूरी तरह से मुझे त्रिकोणी दिख रहा है यहाँ पे मुकाबला, कि हाँ राजभर वोटर उनके साथ दिख रहे हैं, कि हाँ वो उनके साथ रहेंगे, लेकिन राजभर वोटर के आधार पर ही केवल काम नहीं चल रहा, हम लोग को भूलना नहीं चाहिए मुख्तार अंसारी के प्रकरण का भी मामला है। घोसी सीट पे अभी हम लोग गाजीपुर सीट की चर्चा करेंगे तो वहां पे भी वो प्रभाव दिखेगा। और एक चीज देखिए, जब मुख्तार अंसारी के उसमें काफी भारी संख्या में लोग आए थे तब राजीव राय ने एक चीज उस दिन कहा था उन्होंने कि हम केवल इसी सीट पे, मैंने जो उनकी अपनी सीट है घोसी की सीट पर ही नहीं बाकी अन्य कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने दूंगा, उन्होंने 8 सीटों का नाम लिया जी, जी। और देखिए हम लोगों को जो इनके समाजवादी पार्टी के जो ये यहाँ के उम्मीदवार हैं राय जी, इन्होंने आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में भी इनको 24 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया बिल्कुल, और उसमें से 20 सीटों का रिजल्ट इन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया। तो ये हमेशा से एक्टिव है। राजीव राय के लिए कहा जाता है कि 2012 का चुनाव अखिलेश यादव को उन्होंने ही पूर्वांचल की सीटों पर जितवाया है, उन्होंने पूरा बहुत मेहनत की थी और हर तरीके से मेहनत की थी, जो बातें हम लोग के सामने निकल कर आई थी कि राजीव राय ने बड़ी मेहनत की थी 2012 का चुनाव जितवाने में अखिलेश यादव को। नहीं, उनका ये पूरा का पूरा यहाँ के गली गली कुछ कुछ से वाकिफ है हमें। देखिए चुनाव अभी हुआ नहीं है कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जब वहां पर गया हूँ तो फील्ड में जो है कि हमें उनकी काफी बढ़त जो है कि अनुज जी दिखाई दी है उनकी इस सीट पे हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा कोई संकट के बादल नहीं है, ये
एक तरह से सुरक्षित टाइप का ही सीट आप इसे कह सकते हैं, ये पूर्वांचल में घोसी सीट को लेकर। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और राजीव राय, हालांकि हमारे पास भी रिपोर्ट आ रही है और घोसी में हमारी एक टीम मौजूद भी है जो कि लगातार वहां पर अमन हमारे सहयोगी मौजूद है और बता भी रहे हैं कि राजीव राय अच्छा और तगड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर बलिया पर आ जाते हैं, बलिया में नीरज शेखर मैदान में है, सनातन पांडे ब्राह्मण चेहरा समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है, ललन सिंह यादव यादव बिरादरी से उतारा है ललन सिंह को मायावती ने। अब बलिया की सीट का समीकरण सर क्या कहता है, ब्राह्मण वोटर यहाँ पर डिसाइडिंग है? ब्राह्मण वोटर यहाँ पर डिसाइडिंग है और उनकी संख्या काफी ज्यादा है। देखिए फिर से आपको समाजवादी पार्टी के जो है टिकट की फिर से प्रशंसा करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें ब्राह्मण वोटर की संख्या 3 लाख है बलिया में अनुज जी, बिल्कुल बिल्कुल, और सनातन पांडे को यहाँ पे खड़ा किया गया और सनातन पांडे को भाई वीरेंद्र सिंह मस्त ने पिछले बार कितने वोटों से हराया, पिछले बार वो 15,000 का मार्जिन था, वो काफी मामूली मार्जिन था। दर्शक ये कहेंगे कि फिर दर्शकों का ये सवाल होगा अनुज जी कि आप लोग हमेशा 2019 से तुलना कर जाते हैं कम मार्जिन वाले जगहों पे, लेकिन वहां तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, ये बात भी दर्शकों का कहना सही है जी। लेकिन अब सोचिए कि अगर बहुजन समाज पार्टी के इस बार के रोल को देखें कि उन्होंने जो वहां पे ललन सिंह यादव को दिया है, यहाँ पे क्या मुकाबला त्रिपक्षी है जो हम लोग घोसी सीट पे देख रहे हैं, यहाँ पे मुकाबला त्रिपक्षी नहीं है अनुज जी, यहाँ पे मुकाबला बिल्कुल आमने सामने की स्थिति में। तो इसलिए ऐसे स्थिति में यादव वोट ये काट पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं काटेंगे। आप 4 दिन को देखेंगे तो ये बिल्कुल तय हो जाएगा कि वो यादव वोटों को काटने में असफल रहे। यादव मुस्लिम वोट ये बिल्कुल सीधे सीधे आप इसमें कहीं पर किंतु परंतु की स्थिति नहीं। अब ब्राह्मण वोटों का पूरा जो मामला है वो जाति समीकरण एक तरह से इनके पक्ष में दिख रहा है। अब देखिए अगर हम देखिए एक तरफ है विरासत का मामला है, वहां पे जो उन्होंने टिकट दिया है वो विरासत का मामला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दूसरी तरफ फिर से अगड़े और पिछड़े दोनों को जोड़ देने वाले मामले हैं। नहीं तो यहाँ पर नारद राय को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जरूर की जा रही है राहुल जी, तो क्या ये ब्राह्मण वोटों का जो बिखराव ना हो उसकी काट निकालने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से? ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि नारद राय का मामला, नारद राय जी की चिंता भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा हो रही है कि अखिलेश यादव ने मंच से उनका नाम लिया कि नहीं लिया, नारद राय जी को जितनी चिंता नहीं उतनी बीजेपी चिंता कर रही है। लेकिन हमें लग रहा है कि बीजेपी जो ये कदम उठा रही है इसका जमीनी स्तर पर कोई बहुत ज्यादा लाभ अभी हमें मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए सनातन पांडे वहां पे पुराने, देखिए हम लोग हमेशा एक चीज ये भी चीज मैं कहता हूं अनुज जी की कई बार जातियों की गोलबंदी आपके पार्टी के विचारधारा के आधार पर करती है कि आपके पार्टी में किस तरह का क्या वो पूरा फॉर्मूला लेके चल रही है, दूसरी चीज है कि जिस कैंडिडेट को दिया गया है वो कैंडिडेट उस समूह में कितनी लोकप्रियता की स्थिति रखती है, उस समूह के लोग उसे अपना नेता मानते हैं अथवा नहीं मानते हैं। तो सनातन पांडे एक तरह से वहां पे ब्राह्मणों के बीच में एक स्थापित नाम है वो, और उस स्थापित नाम का असर है उस जगह पे जमीन में। और मैं यहाँ पे बलिया वाला जो सीट है बीजेपी तमाम प्रयास कर रही है, वो प्रयासों के बावजूद भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। देखिए उनको लग रहा था कि मस्त जी के रहते हुए उनको समीकरण पहले से समझ में आ रहे थे अनुज जी कि 15,000 वोटों से मस्त किसी तरह से पहले ही जीत पाए थे, तो इस बार संकट की स्थिति हो जाएगी फिर से भाई चंद्रशेखर के पुत्र को दे देने एक नाम हाई प्रोफाइल नाम हो जाएगा, उस कारण से काम बन जाएगा। लेकिन देखिए राजपूतों की नाराजगी, राजा भैया की नाराजगी, तमाम जो चीजें अभी तक पूर्वांचल में चलती आ रही है उसने भी भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे समीकरण पे कहीं कहीं उसके कारण से भी जो है कि वो संकट की स्थिति आ रही है। अगर राजपूत भी नाराज है ब्राह्मण वोट भी मिलेगा नहीं तो मिलेगा कौन सा वोट अनुज जी? दलितों का एक बड़ा हिस्सा हर तरफ हम लोग देख रहे हैं, अब तो हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं अनुज जी कि दलित वोटर्स का भी एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी अपने तरफ लेने में सफल हो रही है। और मैं एक चीज कहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश में सही ढंग से सब चीजें हुई 4 जून को सबसे ज्यादा जो पूरे देश को चौंकाने वाला राज्य होगा वो उत्तर प्रदेश ही होगा राजीव जी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी मानसिक तौर पर तैयार थी, उन्हें महाराष्ट्र में नुकसान होगा, उन्हें बिहार में नुकसान होगा और उसके नुकसान के लिए उनके पास प्लान भी बने हुए थे, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से नुकसान होगा जो हम लोग सीट वार गणना कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी ने अनुमान नहीं लगाया था। 4 जून को सबसे ज्यादा चर्चा हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर ही हो रही होगी, लेकर के होगी, बिल्कुल बिल्कुल, देखना बहुत दिलचस्प होगा। एक आखिरी सीट है, 4 सीटों की चर्चा आज हम कर रहे हैं और राहुल जी से आगे भी हम चर्चाएं जारी रखेंगे, आगे भी हम लेकर आएंगे राहुल जी को, बाकी सीटों पर भी विश्लेषण करेंगे। गाजीपुर पारसनाथ राय भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी, क्या लग रहा है सर?
हमें लग रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे एक अच्छा उम्मीदवार खोजने में अनुज जी नाकाम रही। अच्छा। और आपको याद होगा पारसनाथ राय, देखिए कहा जा रहा है कि वो मनोज सिन्हा के करीबी हैं। हाँ। लेकिन आपको भी याद होगा कि मीडिया के जिस दिन उन्हें टिकट की घोषणा की गई, वहां पे गाजीपुर में बीजेपी के ऑफिस में लोग नहीं जान रहे थे कि पारसनाथ राय कौन है। उन लोगों को भी सिन्हा साहब के एकदम खास लोगों में से एक है, उन्होंने इनका टिकट फाइनल कराया है ना। वो तो उन्होंने ही टिकट फाइनल कराया ही है, उन्होंने ही टिकट दिलवाया है। हाँ। लेकिन हमें उन्होंने क्यों ऐसा किया है अपने ही जो है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हें काफी जो है कि सम्मान भी देते हैं, उपराज्यपाल के रूप में वो काम भी कर रहे हैं। हाँ। तो लेकिन फिर भी उन्होंने पारसनाथ राय को टिकट दिलवाया, उससे अच्छा तो अपने लड़के को टिकट दिलवा देते। हाँ, नाम तो उनका भी चल उनके रहा था। पास देखिए यहाँ पे बहुत सारे विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद थे। देखिए अब मैं मुख्तार प्रकरण से पहले ही अनुजी जी आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपने टिकट की घोषणा काफी पहले कर दी थी। हाँ, पहले कर दी थी उन्होंने, कोई अचानक से आया हुआ नाम अफजाल अंसारी का नाम नहीं था। उसी समय से देखिए उसी समय से ये चीजें तय हो रही थी आखिर अफजाल अंसारी के सामने में भारतीय जनता पार्टी किसे खड़ा करती है। तो उसके उसी बीच में देखिए मुख्तार प्रकरण भी आ गया। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद की जो परिस्थितियां उभरी वो कैसी सहानुभूति की स्थिति है। मैंने अनुजी बीएचयू में भी मैंने पढ़ाई की, जेएनयू में पढ़ाई की, उस क्षेत्र को मैं 3 साल बीएचयू में रहा हूँ और खूब अच्छे से उस समय छात्र जीवन में इस क्षेत्र को घूमा हूँ और मुख्तार अंसारी के प्रभाव को भी देखा हूँ, उनके तमाम तरह की चीजें। आप उनके आप देखिए अलग अलग क्षेत्रों में उनकी आलोचना हो रही है, लेकिन ये जो क्षेत्र है वहां पर उनके सहानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। वो तो उनके मौत के बाद जो तमाम भीड़ आई उससे भी स्पष्ट हो गया। तो ये चुनाव तो उसके बाद अब बहुत सारे लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि मुख्तार के जाने के बाद अफजाल अंसारी कमजोर हो गए, लेकिन जो पूरा जाति समीकरण है तमाम तरह की चीज है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है, देखिए अगर सिन्हा जी खुद अगर उनको हार का सामना करना पड़ा और 1,20,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, तो उनके करीबी पारसनाथ राय बहुत ही तुरान खान की तरह कुछ ऐसा मुकाबला देंगे कि वो चीजों को पलट देंगे। क्योंकि देखिए जाति समीकरण देखना बहुत आवश्यक चीज है। सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या 4.5 लाख वोट यादवों का है अनुज जी। जी यादव वोटर सबसे बड़ा संख्या। दूसरे संख्या पे यहाँ पे दलित है जी, दलितों की संख्या 4 लाख, मुस्लिमों की संख्या 3 लाख। तो अब देखिए दलित दलित स्प्लिट हो सकता है, उसको 4 लाख हम लोग नहीं जोड़ेंगे। मैं वही कह रहा था राहुल जी, लेकिन पिछली बार तो भाई मायावती साथ में थी ना, तो अब मायावती और समाजवादी पार्टी दोनों का गठजोड़ था, समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर हुआ, तो इस बार वो स्थिति नहीं है, इस बार कांग्रेस साथ में है, तो क्या वो वोट ट्रांसफर हो पाएगा और अपने पाले में ला पाएंगे अफजाल अंसारी, या फिर सहानुभूति जो मिल रही है मुख्तार के नाम पर क्या वो सफिशियंट रहेगी? नहीं देखिए इसमें 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए जो पूरे इलेक्शन के ट्रेंड को अगर हम लोग देखते हैं जी। आज के समय में नंबर 1 चीज कि मुस्लिम वोटर्स हर जगह एकमुश्त हैं, वो कहीं बंटवारा नहीं हो रहा है, यादव वोटरों में बंटवारा नहीं हो रहा है। और इसका बहुत बड़ा कारण है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होना। मायावती जी साथ नहीं है, लेकिन मायावती जी का एक बड़ा हिस्सा, उनका हिस्सा कहीं कहीं वो अगर वो टूट रहा है, अगर मैं मान के चलो 25% हिस्सा भी टूट रहा है जी। जाटव लोगों को और गैर जाटव बिरादरी के लोग संविधान आरक्षण इन तमाम मामलों को लेके वो आ रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य पिछड़े वर्ग के जो दूसरे लोग हैं जिसको काफी ज्यादा अखिलेश ने तवज्जो दिया है, उसमें भी सेंधमारी करने में ये सफल हो रहे हैं। और एक बड़ा फैक्टर मुख्तार का अपना फैक्टर है ही, तो हमें नहीं लग रहा कि वहां पे स्थितियां कुछ विशेष बदलने वाली है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है वो टिकट अगर कुछ बंदार जिन नामों की चर्चा हो रही थी, कई बड़े बड़े बाहुबलियों के नामों की भी अनुजी चर्चा हो रही थी, याद है हमें, तो हम लोग वो चट्टान चर्चाओं में हम लोगों ने किया है, वो वैसा कुछ भी होता तब भी यहाँ पे मामला चल सकता था। लेकिन इन्होंने जो टिकट दिया है हमें लग रहा है कि वो काफी लो प्रोफाइल टिकट दिया गया अफजाल अंसारी के सामने में। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से उन्हें सीधा सीधा स्पेस भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। अब भले या फिर बीजेपी अगर ये चीज सोच रही थी कि अफजाल अंसारी के समक्ष गाजीपुर में हम केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे मोदी जी मांगेंगे वोट और उस आधार पे वो चुनाव को दाएं से बाएं कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर ये मोदी जी की वो छवि आज के समय नहीं बची है राजीव जी, अनुज जी की, विशेषकर
पूर्वांचल के इन क्षेत्रों में उनके कहने अनुसार से तमाम समीकरण बदल गया, वो स्थितियां मुझे आज नजर नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर इन दो चरणों में जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा 20 से ज्यादा सीटें ऐसी होंगी जिन पर बहुत ज्यादा फाइट देखने को मिल रही है और वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। जमीन पर क्या होगा, 4 जून को क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। 4 सीटों का विश्लेषण हमने किया है। राहुल लाल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। दोबारा फिर आपको जोड़ेंगे बाकी सीटों का विश्लेषण करने के लिए। बहुत शुक्रिया।